अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द एसएसआईटी कॉलेज। अच्छा, अब इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अली। अच्छा, केमिस्ट्री यकीनन आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे भी रहेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर आता है उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्क्स पेपर का पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह होगी। तो दो हिस्सों में आपका पेपर होता है, एक होता है थ्योरी एग्जामिनेशन और एक होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। थ्योरी एग्जामिनेशन 85 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका तकरीबन 15 मार्क्स का होता है। तो इस तरह आपके केमिस्ट्री के पार्ट वन में 100 मार्क्स बन जाते हैं और इसी तरह सेकेंड ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में भी आप जब जाएंगे तो आपका 85 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा और तकरीबन 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो पेपर वन यानी कि पहला पेपर कहलाता है फर्स्ट ईयर का और पेपर टू कहलाता है सेकेंड ईयर का। तो पेपर वन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या होता है कि ये आपका टोटल 20 मिनट्स का पेपर होता है, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम लेने के लिए इन्विजिलेटर होगा वो आपको एक पेपर प्रोवाइड करेगा। कॉपी देने के बाद वो पेपर होगा सेक्शन ए का, जो कि 20 मिनट्स का होगा। और जैसे ही आपको पेपर दिया जाएगा 20 मिनट्स के बाद वो पेपर सेक्शन ए वापसी ले लिया जाएगा। जो भी उसमें आपको सूटेबल आंसर नज़र आते हैं आप 1 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उनके करेक्ट आंसर्स जो वहाँ लिखे हैं अपनी कॉपी के ऊपर लिखोगे और इस तरह आपके सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आप आंसर वहाँ पे करोगे। याद रखिएगा, जो भी एमसीक्यूज आपके पास आएगा उस एमसीक्यूज में के ऊपर पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा, वो कोड भी आपको तहरीर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोड नहीं लिखा तो वो फिर आंसर्स को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा जो उसको चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको आंसर शीट पे, जो कि आंसर शीट होगी, आंसर शीट पर सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है पहले पेज के ऊपर, कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका क्या आपका मीडियम होगा, जो जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे होगी, आपका जो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर होता है वो आपको डालना पड़ेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो अगला पेज होगा उस पर आप लिखना शुरू करते हो। लिखने में सबसे पहले आप उस एमसीक्यूज का कोड डालोगे जो आपको पेपर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर 17 तक कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सिक्वेंस में आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो 17 एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए में, जो कि 20 मिनट में आपको करने होते हैं। आप क्या करोगे, उन 17 क्वेश्चन में आपके तो 17 क्वेश्चन होते हैं, 17 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन एक नंबर यानी 1 मार्क का होगा, तो इस तरह आपके 17 मार्क्स का सेक्शन पहला मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही 20 मिनट्स ख़त्म होंगे बैल होगी, बैल होते ही क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पेपर वापसी ले लिया जाएगा और ए सेक्शन लेने के बाद आपको बी और सी सेक्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपको बी और सी सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपने अब बी सेक्शन और सी सेक्शन पे अपना काम शुरू कर देना है। अच्छा, बी सेक्शन क्या होगा, बी सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर या आंसर एंड क्वेश्चंस का। आपने इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के हवाले से थोड़ा मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर डेफिनेशंस और इसके अलावा डिफ्रेंसीशंस, रीजनिंग और जो छोटी टाइप्स की डेरिवेशंस होती हैं या छोटी थ्योरीज होती हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना होता, वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास
जो क्वेश्चन की तादाद दी जाती है टोटल वो 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 15। इन 15 क्वेश्चंस में आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं बी सेक्शन में वो करने होते हैं 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो मल्टीप्लाई होकर टोटल मार्क्स बन जाते हैं इस सेक्शन के 40। तो जैसे ही आप अपना ए सेक्शन और बी सेक्शन करोगे तो 17 मार्क्स इधर से और 40 मार्क्स इधर से, तकरीबन आपका 57 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है पेपर के लिए, यकीनन आपको आता बहुत हो, लेकिन अगर आप सही प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना कर पाएँ क्वेश्चन के हवाले से कि आपने पढ़ने में टाइम लगा दिया या फिर आपने और काम करने में टाइम लगा दिया या सोचने में या पानी पीने में या जाने आने में या कोई और मसले के तहत आपने अगर टाइम वेस्ट किया तो वेस्ट करने के नतीजे में आपके आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाता। तो याद रखिए इस बात को, कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर पे फोकस कीजिएगा कि एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको वो कितने मिनट्स में करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा अगर 9 मिनट से पहले आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह 90 मिनट्स में आप यानी डेढ़ घंटे में 1.5 आवर में आप अपना बी सेक्शन कम्प्लीट कर लोगे और ए सेक्शन आपका 20 मिनट्स में होगा। इस तरह आपका दोनों पेपर मिला के 90 और तकरीबन ये 20 मिनट्स मिला के हो जाते हैं 110 मिनट्स। तो आपका जो बाकी 70 मिनट्स आपको यानी कि 1 घंटा और 10 मिनट आपको मिल जाएंगे सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी बेसिकली आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस खाली 3 क्वेश्चंस नहीं होते, हर क्वेश्चन का ए बी सी 3 सेक्शंस होते हैं नॉर्मली। ए बी सी में अब आप मार्क्स ऐसे होंगे ए के 5 मार्क्स हो गए, बी के 5 मार्क्स, सी के 4 मार्क्स, या ए के 6 मार्क्स, बी के 4 मार्क्स, सी के 4 मार्क्स। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह भी होती है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन पे। तो आप के 3 सेक्शन होते हैं हर क्वेश्चन के, तो हर क्वेश्चन के 3 सेक्शन का मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें तो हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 14, 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 28 और ये सारे क्वेश्चन मिला के आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 85 मार्क्स। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादातर डिटेल क्वेश्चन थ्योरी लिखने वाली आती है यानी कि जो याद की हुई थ्योरी होती है उस टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि आप का टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगे, आपको लगे कि ये लेंथी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ए बी सी सेक्शन जब कंप्लीट होगा तो 3 आवर के करीब इसका टाइम होता है, ये ख़त्म होता ही आप अपना पेपर वापसी करेंगे, आंसर शीट जमा कराएंगे, क्वेश्चन पेपर साथ लेंगे और वापसी आ जाएंगे घर पे। तो ये काम आपने जब भी करना है याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। पहले लेक्चर के हवाले से मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपको करनी है। ठीक है, आपने क्या क्या करना है, आपने याद रखिएगा आपने क्वेश्चंस को लाजमी फॉलो करना है हर वक्त, जिस टाइप को आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है कि बाद में कर लेंगे, ये बाद वाली जो बात है वो कभी नहीं आती है। तो कोशिश ये कीजिएगा जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है उसको उसी दिन कवर कर लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब भी वो तादाद में टॉपिक्स बढ़ जाएंगे तो आपको फिर उनको कवर करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होगा। तो कोशिश इस बात की रहेगी कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाते चले जाएं और उसको याद करने की भी आपको तलखीन करते रहें ताकि आप अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस और याद करने का अमल जारी रखें। अब हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम उस लेक्चर में इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और उसके बाद अपनी बुक के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।